अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर, और ये है हेल्थ सेगमेंट एवरी फ्राइडे। ऑफ कोर्स हमारे दरमियान एक ऑफ कोर्स नामवर शख्सियत और बहुत नॉलेजेबल, और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे दरमियान इतनी सीनियर पर्सन मौजूद हैं एवरी फ्राइडे, इसलिए मैंने उनको मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आते हैं, और क्योंकि आप लोगों को हम चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक रिलायबल और एक ऐसे पर्सन की जिनके वालिदैन, उनके मतलब वालिद साहब, फिर उनके वालिद, उनके दादा, फिर उनके दादा, इनके 11 पुश्तों का एक ब्लड रिलेशंस होता है ना, वो एक जद्दी पुश्ती जिसे हम कहते हैं, अक्सर हम लोगों के घर में गुफ्तगू होती है, जद्दी पुश्ती जो है वो हिकमत और तिब नबी से एक ख़ास उनका ताल्लुक है, उनके वालिद साहब, उनके दादा, उनके दादा, उनके परदादा, और ख़ास तौर पे उस वक्त मलका विक्टोरिया या बड़े बड़े बादशाहों मलका और इन लोगों का वो इलाज करते थे। मुगलिया ख़ानदान से भी उनका एक ख़ास टिप से, उनके जो उनकी जो हेल्थ से रिलेवेंट उनका इलाज होता था, तो नुस्खे जो हैं उनके पास, किसी दिन मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ अपने वो पुराने नुस्खे लेकर आएँ, और वो अभी तो वैसे वो अपनी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उनका एक इल्मी ताल्लुक है, तो यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, गुज़श्ता ईद सबको मुबारक हो नाज़रीन, और आपको भी ख़ास तौर पर, और मैंने आपका ईद शो देखा, मुझे लगा कि वाकई ईद है, हमें ईद का सही कॉन्सेप्ट नज़र आया, आप जिन शख्सियात को ईद शो में लेकर आई, और उससे बड़ा मैं महसूस हुआ। ख़ास तौर पर नाज़रीन ये बात है कि ईद के दिनों में जो आज का मौजू हमारा मैदा है, बिल्कुल, और मैदा ख़राब कब होता है जब आप इसको गैर ज़रूरी चीज़ों से भर देंगे, और उसके साथ साथ निज़ाम हज़म को कायम करने वाली अशिया का इस्तेमाल ना करें, और गोश्त का बेदरेगे इस्तेमाल हो जाए, तो फिर इसमें कुछ कबाहतें तो पैदा होती हैं कि गैस्ट्रिक हो गई, सीने में जलन हो गई, मुँह का जायका ख़राब हो गया, घबराहट, कब्ज़, बिल्कुल, और इसी तरीके से आज ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में तो ग़िज़ा के हवाले से तो बहुत मोहतात रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस मौसम में बुखार, जिस्म जोड़ों का दर्द जी, असाबी कमज़ोरी और उबकाइयाँ आना, कह की कैफियत पैदा होना, मैदे में दर्द होना, ये क्योंकि बरसात बहुत हुई है कराची में, ख़ास तौर पर बारिशों का बड़ा अच्छा सिलसिला रहा जी, तो इससे नबर आजमा होने के लिए भी आपको पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, और पानी में अर्क गुलाब, अर्क सौंफ और अर्क मको मिलाकर पिए, इससे निज़ाम हज़म बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आज का मौजू हमारा बड़ा दिलचस्प यूं भी है, बहुत जरूरी है सर, रेलेवेंट टू बकरा ईद। प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हाजमे को बेहतर करने के लिए, अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी रेसिपीज यूज करें, और कौन किस किस्म की चटनियाँ और कहवा जात का इस्तेमाल करें, ताकि आप गोश्त, बेशक मैं नहीं मना करता कि इससे बकरा ईद के बाद जो जिन लोगों ने फ्रिज भरे हुए हैं उनका गोश्त ज़ाया हो जाए या वो बीमारियों की सूरत में पड़ा रह जाए, आप वक्त कम से कम ये हफ्ता 10 दिन के अंदर अपना फ्रिज खाली कर दें। क्या बात, क्योंकि वो बकरा ईद का गोश्त तो वैसे ही उसकी लज्जत ही अलग होती है। खूब दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, और हकदारों और मुस्तहिकीन को भी उसमें शामिल कर लें, तो उनको दावतें उड़ाएं ये वाहिद डॉक्टर साहब है हकीम साहब जो हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रुकने की, खाएं, लेकिन उसको तरीका कार आज समझाएंगे कि आप कौन से कहवा, क्योंकि आपके स्टमक पे ज़्यादा बर्डन, अगर आपने ये नहीं, ये भी खा लिया और बिल्कुल लापरवाही की, कोई आपने कहवा नहीं पिया या कोई भी ऐसी चीज़ चटनी नहीं खाई, तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट आपके मैदे पर बहुत बोझ होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा तभी आता है कि जब आप डाइजेस्ट करते रहें और फिर खाते रहें, बिल्कुल बिल्कुल, खाते भी रहें और साथ साथ आपके पकवान की लोग तारीफें भी करते रहें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बड़ा सवाल इसको ऐड कीजिएगा डॉक्टर साहब,
कि गोश्त ऑफ कोर्स प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कलेजी आयरन प्रोवाइड करती है, दोनों चीज़ें। तो खाने का मकसद ये भी हो कि हमारी बॉडी को उसकी जायक के ज़बान पे तो ग़ज़ाइयत है हम लोगों को, लेकिन उसके हमारे पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हों, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बरकरार रहे। हाँ, न्यूट्रिशन उसके अंदर विटामिंस, उसकी प्रोटीन, उसकी कैलोरीज, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जिस्म को फ़ायदा दें, ना कि इतनी भुनाई कर दें कि गोश्त की जो है वो पहचान में ना आए कि ये किस बकरे का गोश्त था या गाय का गोश्त था या किसी चूजे का गोश्त। बिल्कुल क्योंकि सुखड़ जाता है, सुखड़ जाता और उसमें मसाले वसाले भुनाई इस कदर कर दी जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल जो है वो वाकई वो आपके लिए नुकसानदेह भी होगी, तकलीफ देह भी होगी और बाइस मैदे की खराबी का बाइस भी हो जाती है और इससे कब्ज की कैफियत भी पैदा हो जाती है। और कुछ लोगों को, जिन लोगों का बहुत सेंसिटिव होता है मैदा, उसमें मैदे में मुख्तलिफ परेशानियाँ, वरम और तेजाबियत भी हो जाती है और जो है वो अल्सर टाइप भी बिल्कुल होती है। बाज़ लोगों के जिनको बवासीर की अलामत होती हैं तो वो अलामत खुल के सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बवासीर की कैफियत जो है वो तकलीफ दे अमर वो शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से नबर आजमा हो, इन चीज़ों से किस तरीके से आप बचते भी रहें, खाते भी रहें, एंजॉय भी करते रहें, ये आज का हमारा मौजूद पहली चटनी बता दें कि गोश्त अगर चाहे कबाब की सूरत में, कोफ्तों की सूरत में, या नमक लगा के बोटियां खा रहे हैं, या कुछ भी आप बीफ पुलाव खा रहे हैं, लेट सी, बस आपकी टेबल पे, आपकी टेबल पे इन चीजों के साथ साथ सैलड का एहतमाम खास प्याज सलाद दही दही में पुदीना जीरा भून के उसमें मसल के डालिए और थोड़ी सी अजवाइन डालें उसी में और अदरक का अदरक डालिए, इसका इस तरह एक रायता बना लीजिए। देखिए रायता का मतलब ये भी है कि रायता और या चटनी वो एक किस्म का आपका चूर्ण बन जाता है जो कि निज़ाम हजम को बेहतर करता है, ग़िज़ा को हजम करता है और उसकी जो मुज़िर असरात हैं जो ग़िज़ा के बहुत यानी गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल के मुज़िर असरात जो बॉडी में पैदा होते हैं उन असरात को ख़त्म करके आपको वक्त की नज़ाकत लुत्फ़ंदोज़ होने का मौका आपको फराहम करता है, तकवियत भी देता है वो चीज़ अंदर जाके आपके लिए डाइजेस्ट होगी तो फिर अब मैं आपको एक चटनी बताता हूँ नाज़रीन, वो चटनी बहुत ज़बरदस्त है। इस चटनी को शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, हार्ट प्रॉब्लम के मरीज़, मेदे और जिगर के इमराज, लीवर सरोसिस जो है उसके मरीज बड़े शौक से ये चटनी खाएं और वो अपने आप को सेहत की तरफ लेकर आएं। नोट कर लीजिए यस। हाँ। चटनी का नाम है नाम बाद में आएंगे बताऊंगा, पहले चटनी की बस चटनी रेसिपी कर देना हम लोग। नोट कीजिए यस। सुहांजना ओके 21 पत्ते, पुदीना 21 पत्ते, करी पत्ता 11 पत्ते और ज़ीरा तकरीबन इसमें एक चम्मच चाय वाला ज़ीरा वो शामिल कीजिए, अदरक ये भी तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा हो, अनारदाना, अनारदाना ना हो तो आम की कचरी जिसे कहा जाता है, आम के सूखे हुए आमचूर कहते हैं, आमचूर कहते हैं, वो शामिल कीजिए और थोड़ा सा नमक और नींबू के चंद कतरे मिला लीजिए, यानी आधा एक नींबू उसमें शामिल कर कीजिए और इसको बारीक कर लीजिए। तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, निज़ाम हजम बेहतरीन रहेगा और ग़िज़ा हजम करने में ये बुनियादी किरदार अदा करेगी चटनी। नाज़रीन ज़रूरी इस चटनी को बनाइए और इसके साथ साथ आप पुलाव खाएं, आप कबाब कोफ्ते इसका इस्तेमाल रखें और दही का इस्तेमाल लाजमी रखें, जैसे मैंने दही के बारे में बताया कि उसमें भी आप पुदीना ज़ीरा अदरक का शामिल रखें ताकि हाजमा आपका बेहतर से बेहतरीन होता चला जाए। बिल्कुल सलाद का इस्तेमाल लाजमी रखें, सलाद में चुकंदर और प्याज, पुदीना, सैलड के पत्ते, इस तरह आप सैलड को जो है मुकम्मल तरीके से पूरा खीरा ककड़ी वगैरह जो है वो आप रखें और साथ साथ सलाद इस्तेमाल करते रहें। जैसे जैसे आप ये चीज़ें खाते रहेंगे आपका हाजमा बेहतर रहेगा और आप
लुत्फानंदोज होते रहेंगे इस बकरीद से। बिल्कुल, क्योंकि इस मौसम में बकरीद के बाद अक्सर मरीज बीमार होकर हमारे पास जो आ रहे हैं वो इन्हीं शिकायतें उनके पास हैं कि जी मेदे में दर्द शुरू हो गया उनको, या मोशन लग गए, या शदीद कब्ज़ हो गई, ऐसी कैफियत कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पाइल्स का मसाइल जो हैं वो खुल गए, और यूँ जो है वो एक जो आपकी ईद है वो हस्पताल की नज़र हो गई। अच्छा, एक और जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, उसके ऊपर ये फिर गोश्त हो तो वो साइड इफेक्ट कर जाता है। अगर जैसे कुछ उसका ऑफकोर्स, जैसे इन्होंने कहा कि ये चटनी है, या एक पक्की इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बताई थी, मैं चाहूंगी वो एक मैं इनको रिपीट कर दूँ, ये भी बताएं इसके। एक इन्होंने बताया था बहुत अच्छे सूखे समझने के पत्ते थे, और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ और सब्ज इलायची, एक तो मुंह में खुशबू अरोमा, इसकी ड्राई आप करके पक्की बनाएं, उसका आप पानी के खाने के बाद आधे घंटे बाद आप ले लें तो क्या होगा, उसके अंदर एक और मैं खुद ऐड कर लें कुछ जो भी मुझे नहीं मालूम, कुछ चीजें भूल जाती हूँ। तो ये बड़ी सर आपकी बड़ी अच्छी ये थी, एक तो सौंफ की आपको पता है, वो उसमें अजवाइन शामिल कीजिए, गुड, कलौंजी शामिल की कर लीजिए, ठीक है, और इस तरह जो है ये और जबरदस्त निजाम हजम को बेहतर भी करेगी आपका, एक बेहतरीन एक, और उसमें थोड़ा सा काला नमक शामिल, ऐड करके आपने तो कमाल कर दिया, ये चूर्ण बन जाता है जो आप बताओ बाद में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो फिर जैसे आप खाना खाएं, खाने के बाद जो है थोड़ा सा चूर्ण चाट लें, तो वो भी निजाम हजम को बेहतर करता है। सर ये इसके लिए भी बहुत है, जो हम लोगों का यहाँ पे फिर वर्म जो से खाने के बाद ये सब फील होता है ना हैवी, इसको खाने के बाद ना आप फील रिलैक्स, बहुत अच्छा। फिर हर बहिड़ा आमला, ये तीन चीजें दीजिए, इसे त्रिफल कहते हैं, तो इन्होंने तीनों चीजों को इसकी गुठलियाँ निकाल कर बारीक कर लें, पाउडर बना लीजिए, हम वजन लीजिए, एक चम्मच सुबह निहार और एक चम्मच शाम को खाएं, तो इससे भी आपके मुस्लिम मसाइल, कब्ज़ की कैफियत, निज़ाम हज़म की ख़राबी जो है वो रफ़ा होना शुरू हो जाती है। सही। और ये एक तिरफल जो है, ये तिरफल यानी तीन फलों की ये एक दवा बनती है जो कि पेट के बहुत सारे अमराज के लिए लाजवाब, हड़ का भी बड़ा फ़ायदा आपने बताया, हड़ बहिड़ा आमला तीनों चीज़ें हम वजन ले लेंगे, तो इसको बारीक करके इसका एक एक चम्मच सुबह शाम में इस्तेमाल। अच्छा सर, वैसे बना बनाया भी पंसार की दुकान। अच्छा, कुछ लोग ऑफ कोर्स खाने के बाद अगर अल्लाह ना करे, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसी मुरब्बा या कोई मीठे में, जैसे लोग खीर खाते हैं वो, लेकिन अगर हम मीठे में रेगुलर तौर पे जो आप अक्सर आंवला की बड़ी तारीफ करते हैं, आंवला के अंदर विटामिन सी मौजूद है, बालों के लिए अच्छा है, खाने में अच्छा है, उसका मुरब्बा अगर शीरा जो चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से हो तो क्या फ़ायदा नहीं देगा? बहुत अच्छी चीज़ है, और ये शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, अमूमन जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और आमला जो है वो कहते हैं कि महावरा है इस पर आमले का क्या बात है, समझिए ना, ये बाद में काम आता है कि जो आदमी आमला नज़र को तेज़ करता है, जिनके बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी स्याह करता है। कैसे रिलाय करें यार, इन बंदे ने सही बना, उसको घर में फिर बना ले, क्या कहते हैं आप? जी वैसे तो बना बनाया, बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो बना के बना रही हैं, और बड़ा रिलायबल उनका तरीका कार है, क्योंकि हर शख्स इसको घर में भी बना सकता है। लेकिन ये तो चीनी वगैरह तो ऐड करते हो, हम लोग तो कहते हैं ब्राउन शुगर हो या गुड़ में हो, क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, अच्छा बात यह है कि चीनी में बनता है, अक्सर चीनी में ही बनाया जाता है, मगर अगर इसको गुड़ में बना लें, चीनी की जगह गुड़ डाल लें, और अच्छी चीज़ है, और फिर ये मुरब्बा धो लें, धो के उसका शीरा साफ कर लें, और मुरब्बा सुबह निहार जो है वो इस्तेमाल करें तो अच्छा है, उसकी में शुगर की मकदार कम हो जाती है। अच्छा अब बात हो गई है, ये तो हम गोश्त की बात करें, वो चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में स्किप कर दी हैं, खजूर, जैतून, ठीक है जी, और गर्दी, चक्की की आटा, ये आप कुछ मुझे बता, जौ का दलिया, ये हमने स्किप कर दिए, ये हमारे लिए कितने बेनिफिट? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप तौम, नबी का तौम देख लीजिए कि नबी क्या क्या चीजें उनको खाते थे, या उन्होंने किन चीजों को रिकमेंड किया मुख्तलिफ लोगों पर, क्या कि आप जौ का आटा, जौ का दलिया, तलबीना का इस्तेमाल आप शुरू रखें, और इसी तरह जो है अंजीर, खजूर, शहद, इसका इस्तेमाल वाफर मकदार में करें, फिर सिरका,
आए आए, ये तो हर घर में होना चाहिए। एग्जैक्टली इस मौसम बरसात में सिरका आपके लिए नेमत है, उसमें प्याज लहसुन बारीक करके डालिए, हरी मिर्च है, अदरक है, और इस तरह जो है वो सिरके में जो चीज़ें आप डाल के इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये इस बरसात में की और लू के जिस वक्त बहुत ज़्यादा लू होती है उसमें ये सिरका जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। और जिस घर में सिरका नहीं वो वहाँ सेहत भी नहीं। सही कहा। अच्छा हम लोग ब्रेक लेते हैं, आपका पैकेज लगा दें। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और सर की स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।